हम आप लोगों के साथ नौजवानों को रोजगार दिलाने में लगे हुए हैं, नौकरी दिलाने में लगे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री अपना नौकरी बचाने में लगे हुए हैं और बिहार को बेचने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने अपनी नौकरी बचाने का काम किया और बिहार को बेचने का काम किया। हम नीतीश कुमार जी से पूछते हैं कि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, बेरोजगारी के बारे में वो उन्होंने क्या कदम उठाने का काम किया है ये वो बताया, कितना सृजन कराने का काम किया, कितने नौजवान युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया, कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालय में जाकर के अपना पंजीकरण कराने का काम किया है। नीतीश कुमार जी सवाल का जवाब हमको उम्मीद होगा कि आप देने का काम कीजिएगा। अगर आप देखें तो हर बार नीतीश कुमार जी बात करते हैं 15 साल बनाम 15 साल की, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि 15 साल में जब लालू जी पहली बार 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या काम किया और क्या स्थिति थी बताएं। नीतीश कुमार जी उस समय आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति थी, सामाजिक जो स्थिति थी, वो आज के माहौल से पूरी तरीके से अलग थी। उस समय 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उसकी स्थिति समझे कि गांधी मैदान और पटना का रेलवे स्टेशन जो था वो गिरवी रखा हुआ था। लगभग 27 करोड़ बिहार का वित्तीय घाटा चल रहा था, अफसरशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, वंचित शोषित समाज का अगर कोई आवाज उठाने का काम करता था तो उसके आवाज को दबा दिया जाता था। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो गरीबों को आवाज दिया, सामाजिक न्याय देने का काम किया, उनको पहचान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम किया लालू जी ने। 7-7 विश्वविद्यालय लालू जी के राज में, लालू जी के राज में बिहार को मिला। अब झारखंड बढ़ गया तो 2 विश्वविद्यालय आपका जो है झारखंड चला गया, 5 विश्वविद्यालय जो है पटना रह गया। आप पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से बताए आपके राज्य में कितने विश्वविद्यालय आपने बनाने का काम किया। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो नए जिला बना, नए ब्लॉक बने, अस्पताल स्कूल पुल सड़क और पीपा पुल जैसे 11 इलाकों को देने का काम किया, उनको जोड़ने का काम किया, बड़े बड़े पुल बने, विक्रमशिला जैसे पुल बनने का काम किया। आप देखिएगा लाखों लोगों को लालू जी ने पुलिस में बहाली करा करके रोजगार देने का काम किया, लाखों शिक्षकों की उन्होंने परमानेंट बहाली कराने का काम किया। आज जो भी स्कूल चल रहा है पूरी शिक्षकों की बदौलत चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। आप देखिएगा कितने जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व ऐसे ऐसे समाज जो पिछड़ा समाज था, पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, गरीब परिवार था, जो अंतिम पैदान से खड़ा था, वैसे लोगों को आगे बढ़ा करके लालू जी ने एमपी एमएलए और देश की सबसे बड़ी सांसद भेजने का काम करने का काम किया लालू जी ने। और 98 से 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार रही, लालू जी को रोकने के लिए लगभग दर्जन भारतीय केंद्र मंत्री भाजपा के बने थे, उसमें से एक नीतीश कुमार जी भी थे, आप लोग याद कीजिएगा। वो दौरान इन लोगों ने सारा प्रयास किया और हम लोगों की सरकार की तो पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार होता था, कोई काम नहीं होने देते थे, मुकदमा किया, लालू जी को फंसाने का काम किया और पूरी तरीके से जो है सरकार को बदनाम करने का काम किया। लेकिन आप सब लोग से हम कहते हैं कि भले ही हम लोगों से कभी कोई चूक हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, अगर कोई चूक हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब नया जमाना है, नए जमाने के साथ, नए दौर के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का हमको काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। लालू जी पे सवाल उठाने वाले लोग ये भी जान लो, जब केंद्र सरकार ने UPA 1 में जब लालू जी की सरकार बनी तो UPA सरकार ने 5 साल में लालू जी ने बिहार को 1 लाख
44,000 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया। हम पूछ रहा था कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला? हेगा मिला, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया। आप बताओ बिहार को कुछ मिला कि नहीं मिला? एनडीए की सरकार ने कुछ दिया? बोलते थे क्या बोलते थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए, बिहार को विशेष ताकत दिलवाएंगे, बाहर का स्पेशल ताकत दिलवाने का काम किए करेंगे, लेकिन एक बूटी कौड़ी भी बिहार को नहीं देने का काम किया इस डबल इंजन की सरकार ने। क्या फायदा इसी डबल इंजन की सरकार का? लगभग बाबू यहाँ बैठे, जिनको शक है उनसे जाकर के पूछ लीजिएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितना सड़क जितना पैसा इनके रहते हुए ग्रामीण विकास मंत्री थे, जब भारत सरकार में जितना बिहार को मिला उतना और कोई राज्य को नहीं मिला था। लेकिन जो आज विकास थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिखता है, ये केंद्र ने जो 1,44,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी के बदौलत दिखता है। एमपी जी आज की स्थिति बताइए आप कि बिहार जो है हर एक मामले में जो है क्यों हो जाता है? नीतीश जी कभी ये क्यों नहीं बताते कि जो बीआरजीएफ जो ग्रांट फंड था इसका जो है बोर्ड कौन बनाने का काम किया? ये लालू जी ने यूपीए 1 के समय में ये बीआरजीएफ बोर्ड बना, ये क्यों नीतीश कुमार जी बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक हो, आपका जायका हो, आपके जो बड़े बड़े बैंक है जो उधार लेने का काम करते हैं, पहले राज्य सरकार को उधार लेने की लोन लेने की इन बैंकों से अनुमति नहीं थी। केंद्र सरकार में जब लालू जी गए तो यूपीए 1 में ये राज्य सरकार को इजाजत होने का काम किया गया। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी जितना आप पटना में आरोपी चिड़ियाचारपुर है या जितना रेलवे का आरोपी है, उस दौर में 100% लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरा रेलवे पैसा देने का काम करता था। पूरा लालू जी रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। और लालू जी की ये सोच थी कि गरीब रथ निकाल करके गरीबों को भी एसी में सफर कराने का काम किया लालू जी। लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में क्या काम हुआ? नीतीश जी आप बताइए आज बिहार की स्थिति क्या है? 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर वो 5,000 से कम था। ध्यान से सुनिएगा, 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर वो 5,000 से कम था। और 15 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद आज 1,35,000 हर एक बिहारी पर कर्जा है, हर एक बिहारी पर कर्जा है। ये आपने नीतीश कुमार क्यों नहीं देते?